नमस्कार, केएनएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह के संदेश वाचन के साथ आज खुरई के विख्यात चार दिवसीय डोहेला महोत्सव का शुभारंभ हो गया। सरस्वती पूजन और शानदार आतिशबाजी के साथ शुरू हुए डोहेला महोत्सव के दौरान खुरई का आकाश सतरंगी छटाओं से भर गया। शानदार महोत्सव के पहले दिन भजन सम्राट हंसराज रघुवंशी बाबा की शिवभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुतियों ने दर्शकों को भक्ति भाव की लहरों में डुबा दिया। भजन सम्राट हंसराज रघुवंशी ने जय शिव शंकर हरिओम भजन से कार्यक्रम की शुरुआत कर शिव कैलाश के वासी शिव समा रहे हैं मेरे में, मैं शून्य हो रहा हूँ, लगी तेरे संग लगी है मेरे शंकरा, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। और महादेव के हम दीवाने जैसे भजनों की प्रस्तुति दी। मंत्री प्रतिनिधि लखन सिंह द्वारा पढ़े गए मंत्री भूपेंद्र सिंह के संदेश में कहा गया कि डोहेला महोत्सव की हर सांस्कृतिक संध्या के प्रथम दिन में आपके बीच नहीं आ सका, इसका मुझे खेद है। विधानसभा का बजट सत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपको जानकारी देते हुए मुझे संतोष हो रहा है कि इस साल के बजट में कुरई विधानसभा के 884 करोड़ रुपए राशि के प्रस्ताव शामिल किए गए। इस कारण भी बजट सत्र में मेरी व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक है। इस वजह से मैं आज जो आपके बीच नहीं आ सका, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं कल 11 मार्च से 13 मार्च के समापन तक आपके साथ सभी आयोजन में प्रतिदिन रहूंगा। अपने संदेश में मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि खुरई विधानसभा क्षेत्र के विकास और हमारे डोहेला महोत्सव की चर्चा आज पूरे मध्य प्रदेश में होने लगी है। कोरोना के कारण डोहेला महोत्सव स्थगित करके आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। डोहेला मंदिर के भगवान भोलेनाथ और मां विजयासन की कृपा हमारे नगर व पूरे अंचल पर ऐसी ही बरसती रहे, ऐसी कामना मैं करता हूँ। उन्हीं की कृपा से आज खुरई विधानसभा क्षेत्र का कायाकल्प हो रहा है। मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। विकास के जो भी काम यहाँ होते रहे हैं सब प्रभु कृपा से ही संभव हो रहे हैं। ओ भोले बाबा जी दर पर आया जी, खाली झोले लाया जी, खाली झोले भर दो